अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम यासर मियां सैयद दवाखाना से आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज आपके लिए वीडियो लेकर आया बंदिश हैज़ के लिए, यानी जिन लोगों को पीरियड नहीं होते हैं, यानी एक महीना, दो महीने, तीन महीने, छः छः महीने तक या साल साल भर तक जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, होते नहीं हैं, कि आखिर इन ये वजहें होती क्यों हैं। लेकिन बस आप इसके अंदर ये समझ लीजिएगा, फिर हम नुस्खे की तरफ चलेंगे कि उन लोगों को ये ज़्यादा दिक्कत होगी जिनके अंदर पहले नंबर पर खून की कमी होगी, दूसरे नंबर पर जो बाहर का ज़्यादा तला भुना, खट्टा, उल्टी सीधी चीज़ें, बगैर परहेज वाली चीज़ें खाती हैं, यानी मतलब ज़्यादा तला हुआ खाना, ज़्यादा बादी चीज़ें, चावल और बादी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, जिसकी वजह से उनको बादी चढ़ जाती है और उसकी वजह से भी उनको पीरियड्स कम आते हैं, ठीक है। और ज़्यादा ठंडा पीना, जिसकी वजह से गर्मी की कमी हो जाना, यानी मतलब या तो ठंडी बोतलों का ज़्यादा सेवन करना, भला उसकी तासीर ठंडी नहीं है लेकिन पेट के अंदर जो है हमारी गर्मी मौजूद होती है, लेकिन उस गर्मी को ख़त्म कर देता है, यानी उसको इम्बैलेंस कर देता है ये, तो जो हमारे जो पित्त होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है, तो वो गर्मी जो है वो हमारी कम हो जाती है। और खाना खाने के फौरन बाद या खाने के दौरान पानी पीना, जिसकी वजह अग्नि शांत हो जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा बंदिश हैज़ हो जाता है, क्योंकि ये सारी वजह होती हैं। एक तो ब्लड लाने के लिए हमें उसके अंदर गर्मी पैदा करना पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम नुस्खे की तरफ चलते हैं, बस आप इतना सा मुख्तसर सा समझ लीजिएगा, ठीक है। नुस्खे के अंदर हम इसको एक तो गर्मी को खोलने का और लाने का, और साथ ही साथ मेंसेस को खोलने का इलाज इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और खून की जो कमी हो जाती है, खून को बढ़ाने के लिए भी हम इसके अंदर दवा बताएंगे। तो पहले नुस्खे के अंदर चलते हैं, आखिर नुस्खा इसके अंदर है क्या क्या। पहले नंबर पर ये अबल है, जो बता रहा हूँ पहले समझ लिए, वेट बताता हूँ मैं अभी। ये सुद्दाब है, ठीक है। ये आपका अमलताश, अमलताश की जो बड़ी छड़ियाँ आती हैं, ये अमलताश है, मैंने इसको कूट कर रख रखा है, क्योंकि इसके अंदर का जो हमें मगज़ होता है वो चाहिए होता है। ये ब्रंजासिफ है, यानी इसके बगैर तो कोई नुस्खा ही नहीं बनता, ठीक है। और ये हमारा आ गया मको, यानी वरम वगैरह को ख़त्म करने के लिए, बादी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, काला मको है ये। अच्छा, ये इसके साथ साथ आपके हो गए सौंठ, यानी जो अदरक होती है सूखी हुई, या फिर अदरक कच्ची भी डाल सकते हैं उबालेंगे तो, या फिर आप सूखी अदरक जो सौंठ होती है उसको भी डाल सकते हैं। इसको लेना कितना है, यानी सब चीज़ें आप आधा आधा चम्मच लेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें आधा आधा चम्मच लेंगे, जिसके अंदर आपका अबल आ गया, सुद्दाब आ गया, ब्रंजासिफ आ गया और मक्को आ गया, जो आपका अमलताश जो है, अमलताश आप कम से कम ढाई चम्मच अमलताश इसके अंदर डालेंगे, अगर आपने ऐसे कूट लिया है तो। अगर आपके पास इसके मगज़ हैं तो मगज़ आप सिर्फ एक चम्मच डालेंगे अंदर का, यानी इसके अंदर जो काला काला मगज़ टाइप का निकलता है, गोल गोल टिकनियाँ जो होती है, वो अगर आप डालेंगे तो एक चम्मच डालेंगे। अगर आप ऐसे कुचल लेते हैं सारा अमलताश को, तो आप इसको डालेंगे ढाई चम्मच, ठीक है। तो कुल मिला के यह है पूरा नुस्खा इस चीज़ का। और बाकी जो है आपको अदरक और सौंठ जो मैंने बताई है, वो आप मात्र 2 ग्राम डालेंगे, यानी 1/4 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा गर्मी अगर पड़ रही है तो गर्मी के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको अदरक जो है सौंठ को है उससे भी कम कर देना थोड़ा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को 1/4 गिलास पानी के अंदर उबालना है, और उबालने के बाद ये इतना उबलता जाएगा कि ये बिल्कुल आधा रह जाएगा, यानी 1/4 गिलास रह जाएगा। तो 1/4 गिलास सुबह को पीना है, और 1/4 गिलास मतलब जब ये 1/4 गिलास रह जाए छानने के बाद, तो आप इसको 1 मिनट तक ऐसे रहने देंगे ताकि इसकी गाद जो है वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद इसी 1/4 गिलास को आप सुबह में पियेंगे, और जितना ये बचा है भगवाने के अंदर, इसको दोबारा से उबाल लेंगे, ठीक है, दोबारा से उबाल लेंगे 1/4 गिलास या 1 गिलास के अंदर, जब वो आधा रह जाए उसके बाद छाना, छानने के बाद फिर पी लिया। इसको गुनगुना पीना है, ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सुबह को नहार मुँह और रात को सोते वक्त, इन दो समय आप ले सकते हैं। ये पहला नुस्खा हमारा ये हो गया कम्प्लीट, अब हम इसको बिल्कुल साइड कर देते हैं। ये सारा वर्म को ख़त्म करेगा, इसके बारे में बता दूँ, ये वर्म को ख़त्म करने के साथ साथ आपके जो है बंदिश को खोलने का काम करता है। इसके साथ साथ गर्मी पैदा करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये हो गई राई, राई तो आप जानते हैं जो अचार में पड़ती है, एक राई हो गई, और ये हो गई बालछड़, ये हमारे पास बालछड़ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो आप लेंगे, 50 ग्राम आप ये लेंगे और 25 ग्राम आप राई देंगे, ठीक है। तो 50 ग्राम इन दोनों के अंदर आपने 50 ग्राम ले लिया आपने बालछड़, और 25 ग्राम आपने राई ले ली, और इनको पीसने के बाद आप इसका रोज़ आधा चम्मच सेवन करेंगे सुबह में और शाम में, यानी नाश्ता करने के 1 से 1.5 या 2-3 घंटे के बाद ले सकते हैं। और इसी तरीके से आप दोपहर का खाना खाने के और रात का खाने के बीच में जो वक्त होगा, यानी 4 बजे का 5 बजे का, इस वक्त में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको डेली लेना है, ये आपका एक नुस्खा ये तैयार हो गया। ये क्या करेगा, ये गर्मी को पैदा करेगा, जिसकी वजह से ब्लड जो रुका हुआ है वो खुलकर बाहर आने लगेगा। खून की कमी होने की वजह से कोई सा भी आप या तो फौलाद की गोलियां ले लिए, कुछ तो फौलाद जो आता है, या उसको सादा ले लिए, या फिर आप, मैं जो सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, शरबत फौलाद है। अगर आप मीठे से परहेज करते हैं तो शरबत फौलाद की जगह आप कुछ तो फौलाद ले सकते हैं, कुछ तो फौलाद की गोलियाँ भी आती हैं। इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है, आपको सजेस्ट किया गया है उसी तरीके से लेना, यानी 2 चम्मच सुबह 2 दोपहर और 2 रात। अगर खून की ज़्यादा कमी है, 3 चम्मच सुबह 3 दोपहर और 3 रात, ठीक है। तो कुल मिला के इतना सा नुस्खा है, बाकी इसको जो
आप सेवन करेंगे, कम से कम आप लग कर एक महीना सेवन करेंगे, एक महीने के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट आने लगेगा जिस तरीके से बताया है। रोज़ नया लेंगे यानी जितना बताया गया है उतना ही आप रोज़ नया लेंगे, लेकिन दो बार उबलेगा। एक बार जब आप निकालेंगे जितनी मिकदार मैंने बता रखी है तो वो आप दो बार उबालेंगे दिन के अंदर, तो ये हो गया नुस्खा आपका ये, और एक नुस्खा आपका ये हो गया, और बाकी शरबत फौलाद आप पियेंगे। इसको लगकर एक महीना इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बंदिश है जो दो महीने लगकर आप इसको करिए। बाकी आपका यहाँ जो नाफ के नीचे जो पेड़ हुआ है वहाँ पर भारीपन होता है, वो सब हल्का हो जाएगा। बाकी इसको इस्तेमाल करिए, ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। और अगर आपको हर दवा कर लिया आपने और सही नहीं हो रहे तो रब्ता कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आप मेरी बात गौर करिए, दिमाग में भारीपन, कंधों में भारीपन, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर दवा काम नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी जड़ी बूटी चाहिए उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।